नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि तमाम भर्तियों की जो अपडेट है वो आप सभी को दी जाती है, लेकिन बहुत सारे छात्र इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करके अवश्य जाया करें, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लगातार जो तमाम जानकारी है वो आप सभी के समक्ष रखी जाती हैं, चाहे दिन हो या रात, है ना। तो लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कई भर्तियों को लेकर जो फैसले हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ भर्तियां स्थगित हो रही हैं तो कुछ भर्तियां यहाँ पर रद्द की जा रही हैं। एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि एक और भर्ती के ऊपर जो तलवार है वो लटक रही है। अब उस पर क्या फैसला होगा, इसके बारे में तो जाँच के बाद चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसे में कई पुरानी भर्तियों पर जो फैसले लिए गए थे, जैसा कि हाल ही में आप सभी ने देखा BDO भर्ती को निरस्त कर दिया गया, तो क्या इस भर्ती के ऊपर भी कुछ ऐसा होगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही। मैं आप सभी को दिखा दूं, उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे जो आदेश है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एक और भर्ती के लिए जांच के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए सरकार के माध्यम से, जहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती संबंध में UPSSC के माध्यम से चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिली, जिसके बारे में जानकारी है। अगर बात करें विज्ञप्ति संख्या 3 परीक्षा 2016 आप सभी के सामने आती है, तो ऐसे में एक और भर्ती के जाँच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। हाल ही में आप सभी को पता है कि BDO भर्ती के लिए भी UPSSC के माध्यम से जो फैसला है वो लिया गया था, उसके क्रम में भर्ती को निरस्त करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए थे, जहां पर जांच के बाद उनको ये पाया गया कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। आप सभी को पता है कि छात्र काफ़ी लंबे समय से नियुक्तियों को लेकर इंतजार में थे कि जल्द भर्ती पूरी होगी, उनको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसी क्रम में UPSSC के माध्यम से एक और भर्ती को लेकर जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। बाकी अब क्या होगा, जो भी अपडेट निकलेगी जाँच के बाद होगा। अब क्या भर्ती पर संकट आने वाला है, ये तो सरकार UPSSC ही जान सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, तो उसी क्रम में दोस्तों हम बात करते हैं अप्रैल में स्थगित परीक्षा को लेकर। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अब 8 मई से कराने का जो प्रस्ताव है वह CM को भेजा गया है, उसके बाद में मंजूरी होगी, और मंजूरी के बाद आपके सामने जो घोषणा है वो भी देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में आप सभी को UP बोर्ड 2021 की परीक्षा की नई तारीखें भी क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर या फिर चुनाव के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया, और वही परीक्षा यहां पे आप सभी को अब देखने के लिए मिलेगी 8 तारीख को, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 8 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव है वह CM को भेजा गया है। CM की सहमति के बाद में जारी की जाएगी नई स्कीम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हाईस्कूल साथ में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा 2021 का आयोजन 8 मई से कराना प्रस्तावित है। सातवें माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के बाद में परीक्षा की जो स्कीम है वो जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उसके बाद में 12 मई को आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन ऐसे में पंचायती चुनाव के मद्देनजर इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब 8 मई से परीक्षा कराने की जो शुरुआत है वो देखने के लिए मिलेगी। परीक्षाएँ मई में ही संपन्न करा के जून के अंत में जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। योजना है कि कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों सहित तमाम जो व्यवस्थाएँ होंगी पहले से तैयार की जाए। साथ में दिनेश शर्मा जी के माध्यम से बताया गया कि परीक्षा जाने को लेकर दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराने का जो विचार है वो लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि CM के सामने जो विचार विमर्श वो किया जाएगा परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, और जैसे ही वहां से मंजूरी मिलती है आपके सामने जो नई तारीख है उनकी घोषणा देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब जो अप्रैल में आपकी परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित करके अब 8 मई से कराने का जो प्रस्ताव है CM के सामने रखा गया है, और CM से मंजूरी मिलने के बाद में नई तारीखों की जो घोषणा है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर लेना। उसी क्रम में हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि देखने के लिए मिलती है 1145 पदों पर भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय NTA के माध्यम से 1145 पदों पर नॉन टीचिंग पदों की भर्ती 28 अप्रैल से जो आवेदन है वो आप सभी को कर लेने हैं। मतलब कि 28 अप्रैल से पहले आप सभी को यहाँ पर जो आवेदन है वो करने पड़ेंगे।
क्योंकि 28 तारीख के बाद आप सभी को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के विभिन्न पदों पर जो भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। डीयू भर्ती अगर हम बात करें 2021 के लिए एनटीए की ओर से जारी विज्ञापन हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि 1145 पदों पर नियुक्तियाँ की जानी है। इस भर्ती में मुख्य असिस्टेंट, साथ में नर्स, हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, लैब असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर साथी अगर बात करें, जो मेडिकल ऑफिसर के पदों पर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी गई कि आवेदन करने के लिए पूरा नोटिफिकेशन एक बार सही तरीके से पढ़ लें और उसके बाद में 23/2/2021 के बाद से आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही कि अंतिम तारीख बढ़ाकर 28/4/2021 कर दी गई है। ऐसे में 29 अप्रैल 2021 तक आप लोग शुल्क जमा कर सकते हैं। संशोधन के लिए जानकारी है कि 30/4/2021 से लेकर 2/5/2021 के बाद समय मिलेगा। कुल पदों की संख्या लगभग 1145 है। ज्यादा जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तमाम जानकारी पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों को पिछले 4 सालों से भर्ती का इंतजार था और 4 सालों से छात्र लगातार नई भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा था तो वो थे चयन बोर्ड, मतलब कि उनके अधिकारी। ऐसे में एक बार फिर से जो वेबसाइट है बंद होगी, छात्रों के मन में तमाम सवाल हैं वेबसाइट बंद होने के बारे में और आखिर उसकी कारण क्या है, उसको लेकर भी छात्रों के मन में सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, छात्रों के सामने तमाम समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। जानकारी मिली है कि वेबसाइट पर ज़्यादा लोड होने की वजह से सर्वर की जो समस्या है वो आ गई है और इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। साथ ही छात्रों के मन में एक ये भी सवाल है कि अब ये कब तक ठीक होने की संभावना है। तो जानकारी लेने का प्रयास किया गया अंदर से, उन्होंने बताया कि लगातार 2 दिन अवकाश होने की वजह से वेबसाइट को ठीक कराने का समय नहीं मिला है। कल जैसे ही एनआईसी खुलेगा, मतलब कि सोमवार को, अगर आप सोमवार को इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि सुबह, तो ऐसे में उम्मीद है कि आज की तारीख में इसको सही कराने का जो प्रयास है वो चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। तो जानकारी ये भी दी गई कि सोमवार की शाम तक जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम करेगी। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं उन लोगों को यहाँ पर यह भी सलाह दी गई है कि आप लोग देर रात को आवेदन करने का प्रयास करें टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। संभवतः उस समय जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम करेगी। बाकी जिनसे कोई गलतियां होगी या फिर कोई सुधार की मांग कर रहे हैं उनको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो टीजीटी पीजीटी 2021 की एक बार फिर से जो वेबसाइट है बंद हो गई है, जिसकी वजह से लगातार छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि वेबसाइट सही हो। ऐसे में जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो देर रात को, उम्मीद है 12 बजे के बाद में प्रयास करें। अगर वेबसाइट काम करती तो आप लोगों का आवेदन हो जाएगा, नहीं तो सोमवार शाम तक आप सभी इंतजार करिए, जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।